माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के वीडियो में हम जानेंगे डेटा को ऑटोमेटिकली फिल्टर करना। यहां पर आप देखेंगे इस डेटा में सिटी वाइज, रीजन वाइज, सेल्स पर्सन वाइज और प्रोडक्ट वाइज सेल्स वैल्यूज दी गई हैं। जिस भी सिटी की सेल हम फिल्टर करना चाहते हैं उस सिटी का नाम हम यहां पर टाइप कर देंगे और जैसे ही फिल्टर डेटा वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो उस सिटी का डेटा यहां पर फिल्टर हो जाएगा। हम यहाँ पर किसी एक सिटी का नाम टाइप कर देंगे। जैसे ही हमें डेटा फिल्टर करना है आगरा का तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे आगरा और यहाँ ये फिल्टर डेटा वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आगरा का डेटा फिल्टर हो गया है और जैसे ही हमने फिल्टर वाले बटन पर क्लिक किया तो यहाँ से वो बटन इनविजिबल हो गया है और यहाँ पर क्लियर फिल्टर वाला बटन विजिबल हो गया है। इस बटन पर क्लिक करके आप फिल्टर को यहां से क्लियर कर सकते हैं। तो यहां हम क्लियर फिल्टर वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहां पर फिल्टर क्लियर हो गया है। अब हम यहां पर किसी अन्य सिटी का डेटा फिल्टर करेंगे। हम यहां पर इस बार टाइप करेंगे मुंबई और ये फिल्टर डेटा वाले बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने वहां फिल्टर डेटा वाले बटन पर क्लिक किया तो मुंबई सिटी का डेटा यहां पर फिल्टर हो गया है और यहां से फिल्टर डेटा वाला बटन इनविजिबल हो गया है और क्लियर फिल्टर वाला बटन विजिबल हो गया है। यहां क्लियर फिल्टर पर क्लिक करके हम फिल्टर को क्लियर कर देंगे। तो आइए सीखते हैं इस ऑटोमेटिक फिल्टर को क्रिएट करना। यहां पर हमने सेम डेटा लिया है। सबसे पहले हम यहां पर इन हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेंगे और कॉलम्स की विड्थ को सेट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ होम टैब के अंतर्गत फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ विड्थ पर क्लिक करेंगे और विड्थ यहाँ पर हम ले लेंगे 90 और यहाँ से ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी कॉलम्स की विड्थ इंक्रीज हो गई है। अब हम यहाँ पर इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ मर्ज इन सेंटर पर जाकर मर्ज कर देंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे सर्च। फिर से सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहां से कोई डार्क कलर ले लेंगे, यहां से मिडिल में अलाइन कर देंगे, यहां से फॉन्ट कलर करेंगे व्हाइट, यहां से बोल्ड करेंगे और फॉन्ट साइज करेंगे 12। अब यहां पर इन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज इन सेंटर पर जाकर मर्ज कर देंगे। यहां पर हम कोई लाइट कलर फिल कर लेंगे, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे 14, बोल्ड करेंगे और मिडिल में अलाइन कर देंगे। अब हम यहाँ पर किसी एक सिटी का नाम टाइप कर देंगे। हम यहाँ पर फिलहाल टाइप कर देते हैं दिल्ली। अब हम ये डेटा में फिल्टर इंसर्ट करेंगे। इसके लिए हम डेटा में कहीं भी क्लिक कर देंगे और कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं डेटा में फिल्टर आ गया है। अब हम ये पूरे डेटा टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहां कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, यहां न्यू रूल पर क्लिक करेंगे और यहां यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर क्लिक करेंगे, यहां से स्क्रॉल करके ऊपर आ जाएंगे और डेटा में ये फर्स्ट सेल को सिलेक्ट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं यहां पर इसका सेल एड्रेस आ गया है। बाय डिफॉल्ट सेल रेफरेंसेस फुल्ली लॉक्ड हैं, परंतु हम यहां पर चाहते हैं कि कॉलम तो लॉक हो जाए परंतु रो लॉक ना हो, तो हम यहां रो नंबर के सामने से डॉलर साइन को हटा देंगे और यहां पर इक्वल प्रेस करेंगे और यहां पर इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे। इसको हम फुल्ली फिक्स्ड ही रहने देंगे और यहां फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, यहां हम क्लिक करेंगे फॉन्ट पर, यहां कलर पर क्लिक करेंगे और यहां पर हम चूज करेंगे ये कलर। ये 5% लाइटर है लेकिन दिखने में ये बिल्कुल ब्लैक जैसा ही होगा, तो हम यहां सेलेक्ट कर रहे हैं ये कलर और यहां से ओके करेंगे, यहां से भी ओके कर देंगे। अब हम यहां पर ये सिटी वाले फिल्टर पर क्लिक करेंगे और ये फिल्टर बाय कलर पर क्लिक करेंगे और यहां फिल्टर बाय फॉन्ट कलर पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर दिल्ली का डेटा फिल्टर हो गया है। फिर से यहां फिल्टर पर क्लिक करेंगे और यहां से क्लियर फिल्टर कर देंगे तो फिल्टर
हट गया है। अब हम यहाँ पर किसी अन्य सिटी का नाम टाइप कर देंगे। हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं कानपुर और यहाँ सिटी पर क्लिक करेंगे और यहाँ फिल्टर बाय कलर पर क्लिक करके यहाँ कलर पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कानपुर का डेटा फिल्टर हो गया है। फिर से हम यहाँ फिल्टर पर क्लिक करेंगे और क्लियर फिल्टर कर देंगे। अब हम यहाँ पर सब टोटल फंक्शन लगाएंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, सब टोटल टाइप करेंगे। ये देखिए सब टोटल फंक्शन यहाँ पर आ गया है। डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ सब टोटल फंक्शन के अंतर्गत हम लेंगे काउंट ए फंक्शन। इसके लिए हम यहाँ 3 टाइप करेंगे और कॉमा लगा देंगे और यहाँ पर इन सभी सेल्स को सेलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल काउंट आ गया है। जितने भी रोज के अंदर में टेक्स्ट दिया गया है उन सभी का काउंट यहाँ पर आ गया है 168। उसे एंटर में कर देंगे। अब हम यहाँ पर इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज कर देंगे। यहाँ पर भी इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पर जाकर मर्ज कर देंगे। इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे फिल्टर डेटा। फिर से इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और मिडिल में अलाइन कर देंगे और यहाँ इस सेल में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे क्लियर फिल्टर। इसको भी मिडिल में अलाइन कर देंगे और यहाँ पर फॉन्ट कलर करेंगे व्हाइट। यहाँ पर भी हम फॉन्ट कलर करेंगे व्हाइट। अब इस सेल को सिलेक्ट करके हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाएंगे, न्यू रूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इक्वल प्रेस करेंगे और जिस सेल में हमने सब टोटल फंक्शन लगाया था उस सेल को सिलेक्ट कर देंगे और इक्वल प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे 168। यानी यदि इस सेल की वैल्यू 168 के बराबर है तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से हो जाए। यहाँ फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, फिल पर क्लिक करेंगे, यहाँ हम कलर लेंगे ग्रीन और फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट करेंगे बोल्ड, कलर लेंगे वाइट और यहाँ से करेंगे ओके और यहाँ से भी ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर फॉन्ट कलर ऑटोमेटिकली वाइट हो गया है और कलर आ गया है ग्रीन, क्योंकि ये A1 सेल की वैल्यू जिसमें हमने सब टोटल फंक्शन लगाया था 168 के बराबर है। अब यहाँ पर हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमने क्लियर फिल्टर टाइप किया था और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे, न्यू रूल पर क्लिक करेंगे और यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इक्वल प्रेस करेंगे। इसको हम थोड़ा सा साइड में कर लेंगे यहाँ पर और ये A1 सेल को सिलेक्ट कर देंगे और लेस देन का साइन लगाएंगे और 168 टाइप कर देंगे। यानी यदि इस सेल की वैल्यू 168 से कम है तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग कैसे हो जाए। यहाँ फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, फिल पर क्लिक करेंगे, यहाँ हम कलर लेंगे ग्रीन, फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, बोल्ड करेंगे फॉन्ट और यहाँ वाइट कलर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, यहाँ से भी ओके कर देंगे। अब जैसे ही सेल की वैल्यू 168 से कम होगी तो यहाँ पर कलर आ जाएगा ग्रीन और फॉन्ट कलर आ जाएगा वाइट। जैसे हम यहाँ पर फिल्टर लगाते हैं, अभी यहाँ फिल्टर बाय कलर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिल्टर करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वजह से फॉर्मेटिंग हो गई है जो हमने वहां पर सेट की थी और इस सेल से फॉर्मेटिंग हट गई है क्योंकि ये A1 सेल की वैल्यू 168 के बराबर नहीं है। यहाँ फिल्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लियर फिल्टर कर देंगे। अब आप देख सकते हैं फिल्टर क्लियर हो गया है। अब ये फिल्टर को ऑटोमेटिक बनाने के लिए हम यहाँ पर मैक्रो का उपयोग करेंगे। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आपके सिस्टम में डेवलपर टैब का होना जरूरी है। अगर आपके सिस्टम में डेवलपर टैब इनेबल नहीं है तो यहाँ एक्सेल रिबन पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ कस्टमाइज रिबन पर क्लिक करेंगे और यहाँ राइट हैंड साइड विंडो में
डेवलपर के सामने बने चेकबॉक्स को चेक करेंगे और यहां से ओके कर देंगे तो आपके सिस्टम में डेवलपर टैब इनेबल हो जाएगा। मैक्रो रिकॉर्ड करने से पहले हम यहां डेटा के बाहर कहीं भी क्लिक कर देंगे और डेवलपर टैब पर क्लिक करेंगे, यहां रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे और यहां से ओके करेंगे। अब मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब हम यहां ये सिटी वाले फिल्टर पर क्लिक करेंगे, यहां से फिल्टर करेंगे और फिल्टर बाय कलर पर क्लिक करेंगे और यहां से फिल्टर बाय फॉन्ट कलर पर क्लिक कर देंगे और डेवलपर टैब पर जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। अब मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है। अब हम यहां पर एक और मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे फिल्टर को क्लियर करने के लिए। उससे पहले हम यहां डेटा के बाहर कहीं भी क्लिक कर देंगे और डेवलपर टैब पर जाएंगे और यहां रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करेंगे और यहां से ओके कर देंगे। अब यहां सिटी वाले फिल्टर पर क्लिक करेंगे, फिल्टर पर क्लिक करेंगे और यहां से क्लियर फिल्टर फ्रॉम सिटी पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं फिल्टर क्लियर हो गया है और यहां डेवलपर टैब पर जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। अब मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टॉप हो गया है। अब हम जैसे ही मैक्रो को रन करेंगे तो यहां डेटा ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगा। जैसे हम यहां पर अभी नाम टाइप कर रहे हैं एक और शहर का, हम यहां पर टाइप कर रहे हैं आगरा और यहां व्यू पर जाएंगे और मैक्रोज पर क्लिक करेंगे, व्यू मैक्रोज पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप देख सकते हैं जो दोनों मैक्रोज हमने रिकॉर्ड किए थे वो यहां पर दिख रहे हैं। मैक्रो वन हमने रिकॉर्ड किया था डेटा को फिल्टर करने के लिए और मैक्रो थ्री हमने रिकॉर्ड किया था फिल्टर को क्लियर करने के लिए। तो अभी हम यहां सिलेक्ट करते हैं मैक्रो वन को और यहां रन पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहां पर आगरा का डेटा फिल्टर हो गया है। इसी तरह से फिर से हम मैक्रोज पर जाएंगे, व्यू मैक्रोज पर क्लिक करेंगे और मैक्रो थ्री पर क्लिक करके हम फिल्टर को क्लियर कर देंगे, यहां से रन कर देंगे। यह आप देख सकते हैं यहां पर। अब हम बार बार मैक्रोज को रन करने के लिए ये प्रोसेस तो नहीं करेंगे, इसके लिए हम यहां पर बटन्स क्रिएट करेंगे। इंसर्ट पर जाएंगे, यहां इलस्ट्रेशंस पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहां से हम ये रेक्टेंगल शेप ले लेंगे और यहां पर हम ड्रॉ कर लेंगे इस सेल के ऊपर बिल्कुल इस सेल के साइज से। कंट्रोल डी प्रेस करके इसकी एक और कॉपी कर लेंगे और यहां पर दूसरी सेल में हम रख लेंगे इसको। कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे या शेप फॉर्मेट पर शेप आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। यहां शेप फिल पर जाएंगे और यहां से कलर ले लेंगे ग्रीन और यहां शेप इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे, प्रीसेट पर क्लिक करेंगे और यहां पर प्रीसेट वन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह का इफेक्ट यहां पर आ जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, फिल पर क्लिक करेंगे यहां पर और यहां पर कलर ट्रांसपेरेंसी हम करेंगे 99% और यहां से इसको क्रॉस कर देंगे। अब यहां पर जो शेप्स हमने अभी इंसर्ट की थी वो शेप तो हैं पर दिखाई नहीं देंगी क्योंकि हमने कलर ट्रांसपेरेंसी कर दिया है 99%। अब यहां पर ये एक्सेल ग्रिड लाइंस को हटाने के लिए यहां व्यू पर क्लिक करेंगे और ये ग्रिड लाइंस के सामने बने चेकबॉक्स को अनचेक करेंगे तो ये ग्रिड लाइंस यहां से हट जाएंगी और ये A1 सेल को सिलेक्ट करेंगे और इसका फॉन्ट कलर करेंगे हम व्हाइट तो यहां से ये नंबर भी इनविजिबल हो जाएंगे। अब हम यहां से शेप पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और यहां असाइन मैक्रो पर क्लिक करेंगे या मैक्रो वन पर क्लिक करेंगे और यहां से ओके कर देंगे। अब ये शेप असाइन हो गई है उस मैक्रो के लिए जो हमने फिल्टर लगाने के लिए रिकॉर्ड किया था। इसी तरह से यहां पर दूसरी शेप है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि हमने उसका ट्रांसपेरेंसी लेवल किया था 99%। तो इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहां असाइन मैक्रो पर क्लिक करेंगे और यहां मैक्रो थ्री पर क्लिक करेंगे जो मैक्रो हमने फिल्टर को क्लियर करने के लिए किया था और यहां से ओके कर देंगे। अब जैसे ही आप इन शेप्स पर क्लिक करेंगे तो डेटा यहां पर ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगा। यहां पर अब हम किसी अन्य सिटी का नाम टाइप करते हैं, हम यहां पर टाइप करते हैं लखनऊ
और यहाँ फिल्टर डेटा पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से डेटा फिल्टर हो गया है लखनऊ का, और जो फिल्टर डेटा वाला बटन है इनविजिबल हो गया है, और यहाँ क्लियर फिल्टर वाला बटन विजिबल हो गया है। फिल्टर को क्लियर करने के लिए हम यहाँ इस बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से फिल्टर क्लियर हो गया है। ध्यान रहे, मैक्रो रिकॉर्डेड फाइल को आप नॉर्मल एक्सेल फाइल की तरह सेव नहीं कर सकते। इसे सेव करने के लिए हम यहाँ फाइल पर जाएंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोकेशन ले लेंगे जहां पर भी हम फाइल को सेव करना चाहते हैं। यहाँ पर फाइल को कोई नाम दे देंगे, और यहाँ सेव एज टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से सेव करेंगे। इससे क्या होगा, दोबारा ओपन करने पर भी मैक्रो काम करते रहेगा। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप इस ऑटोमेटिक फिल्टर को क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें।